सूजी का वेजिटेबल तवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक घोल तैयार करूंगी। घोल के लिए लिया है मैंने 1 कप दही और 1 कप सूजी। इन दोनों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इनको आधे घंटा फूलने के लिए छोड़ दूंगी। सूजी को फूलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के हिसाब से नमक, बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। सूजी को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। तवा भी गर्म हो चुका है, तो तवा के ऊपर मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी जीरा। जीरा के अच्छी तरीके से क्रैकल होने के बाद मैं डाल दूँगी अनियन, शिमला मिर्च और प्याज। साथ ही मैं डाल दूँगी करी पत्ता, टमाटर, साथ ही मैं डाल दूँगी सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको मैं बिल्कुल हल्का सा सॉटे कर लेती हूँ। 10 सेकेंड तक सॉटे करने के बाद मैंने सब्जियों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। अब मैं इस सब्जियों के ऊपर डाल दूँगी घोला हुआ इडली का बैटर। इडली का बैटर डालने के बाद मैं इसे ढक दूँगी। ढक कर इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। 6 मिनट तक पकने के बाद अब ये इडली बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। मैंने इडली को कोकोनट की चटनी और सांभर के साथ सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बनाने में बिल्कुल ही आसान और खाने में सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी एंड सुपर डिलीशियस होता है। प्लीज़ आप एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।